उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है इसमें पुलिस ने असलाह फैक्ट्री संचालक के समेत भारी मात्रा में असलहे समेत जहीरा बरामद किया है बताते चलें तस्वीरों में हरदोई के हरियाणा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है पुलिस टीम ने राम शंकर शर्मा पुत्र बाबू शर्मा निवासी निरई थाना पिसावा को गिरफ्तार किया है यह आरोपी हरियावा थाना क्षेत्र के ग्राम बिनाईजोर में असलाह फैक्ट्री संचालित कर रहा था पुलिस की छापेमारी में दस असलहों समेत भारी मात्रा में असलाह फैक्ट्री का जखीरा बरामद हुआ है पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई है और जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक त्रिगुण बिशेर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान असलाहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है आरोपी पर सीतापुर समेत कई जिलों में आपराधिक मामले दर्ज थे पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है बताते चलें मुकबिर के द्वारा पुलिस को सूचना लगी थी कि गांव में इसल फैक्ट्री का काम चल रहा है अवैध इसलहों का निर्माण किया जा रहा है इसको लेकर सक्रिय हुई पुलिस ने इसलह फैक्ट्री की पहले तो रैकी की और उसके बाद आरोपी को असलह बनाते और उन्हें बेचते हुए धर दबोचा पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से दस असलह बरामद किए हैं इसके अलावा इसलह फैक्ट्री में इसल मशीनों के द्वारा बनाए जा रहे थे उन मशीनों को यानी जखीरे को बरामद किया है पुलिस पूरे मामले में आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है